पर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि बावलपुर का सेकंड व्लॉग आएगा, तो वो आ चुका है। और वो किस चीज़ का है आप लोग गेस तो करें किस चीज़ का है। अभी तक मैंने आप लोगों को वो बिल्कुल नहीं बताया, बट आप लोगों को वो है नूर महल। और हम लोग आज आए हैं नूर महल में। तो आज का जो व्लॉग है वो है नूर महल का। नूर महल के अंदर जाते हैं, दिखाते हैं कि नूर महल की स्टोरी क्या, और नूर महल क्या था, और नूर महल की चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं। आप लोगों को फुल एंटरटेन कराते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो आए चलते हैं नूर महल। तो व्यूअर्स, पहले सुनिए नूर महल की हिस्ट्री कि नूर महल है क्या। नूर महल भावलपुर पाकिस्तान में एक महल है। ये नौ क्लासिक की तर्ज पर एक अतालवी शातिर की तरह 1872 में बनाया गया था। ये नवाब बहावलपुर बरतानवी राज की नवाबी रियासत की मलकियत है। नूर महल नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारम ने सन 1872 में तामीर करने का हुक्म दिया। उन्होंने ये महल अपनी बेगम के लिए बनवाया था, जो 3 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। यही वजह है कि ये इन्हीं के नाम से मंसूब है। जदीद तहकीक के मुताबिक नूर महल में नूर का मतलब रोशनी है। इस महल में कोई बेगम नहीं ठहरी। नवाबीन यहाँ आते थे और चले जाते थे, वो भी यहाँ ठहरे नहीं। ताहम इनकी बेगम ने इस महल में सिर्फ एक रात क़याम किया, क्योंकि इन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि महल के करीब में ही एक कब्रिस्तान मौजूद था। 1956 में रियासत भावलपुर के इंजमाम के बाद नूर महल को महकमा औकाफ ने अपनी तहवील में ले लिया। 1971 में इसे लीज पर पाक आर्मी के हवाले कर दिया गया। 12 अक्टूबर 1997 को पाक आर्मी ने नूर महल 11 करोड़ 90 लाख में ख़रीद लिया और इसे ऑफिसर क्लब के तौर पर इस्तेमाल किया। बाद अज़ां मरकजी हाल को बहाल करके आवाम के लिए खोल दिया गया, जबकि मशरकी हाल ऑफिसर मेस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। सितंबर 2001 में महकमा आसार कदीमा ने इसे तारीखी आसार में शामिल कर लिया। नूर महल में देखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें बहुत सी पुरानी चीज़ें मौजूद हैं। इसमें कई नवाबों की इस्तेमाल शुदा चीज़ें शामिल हैं। बहुत सी पुरानी तलवारें, पुराने करेंसी नोट और सिक्के, पुराने कवानीन जो इस ज़माने में बनाए गए थे, एक पुराना पियानो जिसे नवाब बजाते थे, पुराना फर्नीचर जो नवाबों के ज़ेरे इस्तेमाल था। इसमें एक लंबी दीवार भी है जिसकी ख्याली तस्वीर हैं। नवाब की सिर्फ एक तस्वीर हकीकी है, बाकी सब ख्याली हैं। महल के अलावा एक जेल खाना भी है। सो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको नूर महल की हिस्ट्री? उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी उम्दा थी। चलते हैं नूर महल के अंदर और देखते हैं आगे इंटरेस्टिंग और देखने को क्या मिलता है। अरे एक और बात, नूर महल का ऐसा महल भी है जहाँ खुदा और मोहब्बत फेमस ड्रामा, इसकी शूटिंग भी यहीं हुई थी, बहावलपुर नूर महल में। वीडियो के साथ बने रहिएगा और देखिएगा नूर महल। नूर महल के पहले गेट से एंटर हो चुके हैं, तो कुछ इस तरह है कि बादशाहों के पिक्चर्स हैं, और रिव्यू आपको पूरा मैं दिखाता हूँ। ये पूरा नूर महल का रिव्यू है और इसकी इंटीक माशाल्लाह कितना प्यारा बना हुआ है ना। ये पूरा नूर महल का एंट्री है, काफ़ी खूबसूरत मटेरियल यूज़ हुआ है इसके अंदर, वाकई नूर महल जैसा लग रहा है। तो ये सारे नवाब भी हैं जो, और आगे चलते हैं, काफ़ी सफाई है यहाँ पर। और ये रहा, चीज़ें यहाँ पर, मतलब कि स्टोरीज हैं जो आप यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या मिलता है। और जैसे कि ये फिर से दोबारा से वही बादशाह वगैरह की सारी स्टोरीज हैं और पिक्चर, तो पिक्चर बहावल गैलरी, बहावल गैलरी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और
ये यहाँ की गैलरी हेल्थ केयर इंडस वैली कोयटा, और ये इसका दूसरा गेट बाबे फरीद, ये पूरा दिखाया गया है। और ये है अहमदपुरी गेट, यहाँ पे कुछ गेट। और अब हम जा रहे हैं सदी गैलरी की तरफ। तो अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर गैलरी की तरफ, तो हम आप लोगों को गैलरी भी इंटरटेन कराने लगे हैं। तो यहाँ का काफी शीशा अच्छा और काफी अच्छी पिक्चर बन रही है, तो चलते हैं आगे। ये रहा नवाब सादिक का कॉर्नर है, जिसमें सारी पिक्चर्स हैं, देखें कोई तारीखी है बड़ा पिक्चर। और यहाँ पे गाने चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से कॉपीराइट ना आ जाए। तो ये फैमिली, वाओ, ये क्या है, ये एपड़ा अंडरग्राउंड कूलिंग सिस्टम। और ये देखें नीचे अंदर सीढ़ियाँ हैं, तो चलते हैं आगे हम लोग। तो फिर हम यहाँ पर आ गए, आओ आप पिक्चर बनाए, चलो आ जाओ आगे चलते हैं। अब लोग हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। तो जैसे कि अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं नेक्स्ट गेट की तरफ। ये क्या है, ये कोई नवाब का फर्नीचर था, और ये रहा नवाब का फर्नीचर। इतनी बड़ी ड्रेसिंग, और ये पंखा दो वाला, ये किसी नवाब का क्या कहते हैं। सो मुझे लगता है ये किसी नवाब का रूम था, जो कि हम ये दिखा रहे हैं हम लोगों को, ये नवाब का रूम है शायद। और ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का रूम है। और ये रहा स्नोकर क्लब, जहाँ पे कायदे आजम स्नोकर खेलते थे। ये स्नोकर क्लब है, ये वो स्नोकर क्लब है जहाँ पे कायदे आजम स्नोकर खेलते थे, आई थिंक सो। तो मेरे साथ ही दिखा चुके हैं कि जहाँ कायदे आजम स्नोकर खेलते थे वो जगह मैंने आपको दिखाई है। उसके अलावा हम आपको कुछ कपड़े दिखाने लगे हैं, जो कि क्या कहते हैं, ये किसी के कपड़े हैं, दरबारी ड्रेस थे कुछ। ये देखें ये ड्रेसेस हैं जो नूर महल के अंदर रखे हुए हैं, और नूर महल के अंदर रखे हुए कि ये उन शहनशाहों के ड्रेस हो सकते हैं। और ये उनका हुक्का जो वो पीते थे, और ये उनका नाइट ड्रेस जो शहनशाह, मतलब नूर महल एक ऐसा महल है जिसमें ना कि मतलब कि शहनशाही चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और शहनशाही चीज़ों में ये है कि ये भी एक शहनशाही लिबास नहीं आ जाता कि नहाने के बाद जो इंसान वेयर करता है, और ये भी एक शहनशाही लिबास है। तो जैसा कि अब आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कोई आर्मी का ड्रेस है, और कुछ यहाँ पर ये क्या कहते हैं, आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, कमेंट में बता देना, मुझे कुछ मालूम नहीं कि क्या है, मैं खुद ही फर्स्ट टाइम आया यहाँ पर। तो आ जाओ नूर आगे चलें। तो अब हम लोग आगे जा रहे हैं, और आगे हम लोग आ चुके हैं कि उनके जेवरात की तरफ, नूर महल में जो शहनशाह जेवर पहनते हैं उन जेवरात की तरफ आ चुके हैं। तो कुछ
देखिएगा आप, हटो, ये रहे वो जेवरात और जो कि वो पहनते थे। मैं आपको क्लोज से दिखाता हूँ, ये शहनशाही जेवरात हैं जो कि वो पहनते थे, और ये मिट्टी के बर्तन हैं जो वो यूज़ करते थे। उस ज़माने में मिट्टी के बर्तन होते थे, तो शायद ये इसलिए उनको इंटरटेन कराया गया। ये देखें, और ये क्या है, चुनरी जो मशहूर होती है, भावलपुर की चुनरी बहुत मशहूर होती है, और ये वो चुनरी है जो कि आई थिंक कि मेरा ये व्लॉग काफ़ी अच्छा है। मैंने अब तक जितने भी व्लॉग बनाए हैं वो ट्रेडिशनल और कल्चर वाइज इतने नहीं थे जितना मैं इसको कल्चर वाइज दिखा रहा हूँ। और गाने बंद कर दो, मेरा कॉपीराइट लग जाएगा। तो अब हम लग जा रहे हैं, ये गिद्दी, वो गिद्दी है, गिद्दियाँ जो होती हैं, हटो, ये है स्पिनिंग व्हील, इसको कहते हैं चरखा, ये वो, ये ऐसा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, कैमल डिकोर की तरफ, और ये है, ये देखें। सो अब हम लोगों ने आप लोगों को दिखा दिया, काफ़ी एंटरटेन करा दिया। और ये ग्रूम ड्रेस जो दूल्हे को कपड़े पहनाते हैं ना, उसके लिए यूज़ होता है ये ना, ये देखें, ये सारा का सारा। और ये चक्की है, ये आटा चक्की करने, चक्की, ये वो चक्की है अपनी यूज़ करने के लिए ना। और ये चोलिस्तानी ड्रेस जो यूज़ होते हैं, ये देखें। पूरा का पूरा दिखा चुके हैं, और ये था गेट, मतलब कि नूर महल यही था, आगे भी है। सो अब आगे भी है, तो आगे हम जा रहे हैं। तो ये था, ये है क्या चीज़, ये है, अच्छा ये एक भी एक शॉप साइड टाइप का ही है। तो अच्छा यहाँ क्या है, बोलता है, और ये था फोर सेलिंग में, और ये भी कुछ चीज़ें सेलिंग के लिए हैं। तो आ जाओ, बस यही था। और यहाँ पे तो सॉन्ग्स गाने ही लगे हुए, और कॉपीराइट का इशू होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे ही बोल रहा हूँ। तो क्या कहते हैं, जितना था मैंने आप लोगों को दिखा दिया, नूर महल का अंदर का सिस्टम यही था। व्यूअर्स, आप लोगों को कैसा लगा नूर महल? आप लोगों को हमने पूरा नूर महल घुमाया, अंदर की शहनशाही तौर तरीके दिखाए, शहनशाही लिबास दिखाए, दुल्हन का ड्रेस, दूल्हे का ड्रेस, त्योहारें, और उनकी जो भी तलवारें थी और जो भी उनके ड्रेसेस वगैरह थे, उनके बर्तन वगैरह थे, हम लोगों ने आपको पूरा घुमाया। और नूर ने भी काफ़ी हेल्प की वीडियो बनाने में, छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ आए हुए थे, अगर वीडियो थोड़ी ख़राब हो तो उसके लिए होता रहता है, क्योंकि यार मैं अकेला ही आया हूँ। और मैंने अपने इस कज़न को बोला कि मुझे आओ भावलपुर घुमाने ले जाओ, तो ये मुझे घुमाने लेके आया। तो एक दिन में मैंने 2-3 व्लॉग बना लिए, तो अच्छा किया, आप लोगों को एंटरटेन कराया। तो क्या कहते हैं, आप चलते हैं हम घर की तरफ, और आप नूर महल आपको जो भी आपने एंजॉय किया कमेंट में लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। We'll be right back.